और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वडोदरा में पीएम मोदी और सांचेज का मेगा शो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। रोड शो में उमड़े हैं लोग, एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात भी दी जानी है। वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात दी जानी है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमान का निर्माण है और ये तस्वीरें रोड शो की जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और देखिए अलग अलग संस्कृति के रंग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक ही वाहन पर सवार स्पेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो में लोग उमड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति की छटा भी यहाँ पर देखी जा सकती है। और देखिए क्योंकि भारत में विविधता है लेकिन एकता है और उस विविधता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर इन कलाकारों को आप देख रहे हैं जो प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं स्पेन के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, उनके वंदन के लिए। वडोदरा में मोदी सांचेज का ये मेगा रोड शो आप देख रहे हैं। आसपास में लोगों की भीड़ भी उमड़ी हुई है प्रोटोकॉल के तहत, हालांकि सुरक्षा का घेरा भी है, उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, लेकिन उत्साह प्रस्तुतियों के माध्यम से ये कलाकार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से और स्पेनिश राष्ट्रपति की ओर से। हालांकि रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के दिग्गज नेता की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी बेहद अहम रहने वाली है। हालांकि रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद दोनों नेता टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में देश के 1500 उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है, ऐसी भी जानकारी मिली है। हालांकि उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी इन मेहमानों को, जो मेहमान कारोबारी हैं, उनको भी संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी और सांचेज वडोदरा के शाही लक्ष्मी विलास पैलेस के यूजीन हॉल में लंच करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता भी दोनों के बीच होने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सौगात भी मिलने वाली है। 1094 करोड़ की भुज नालिया गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद जब कन्वर्जन प्रोजेक्ट देश को समर्पित प्रधानमंत्री कर देंगे, भुज नालिया गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट 1094 करोड़ की लागत से दरअसल पूरी हो गई है और इस प्रोजेक्ट में 24 बड़े और 254 छोटे ब्रिज हैं, 3 रोड ओवर ब्रिज हैं और 30 अंडर ब्रिज शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट से कच्छ जिले के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर्यटन से जुड़े 200 करोड़ के विकास कार्यों की भी घोषणा करने वाले हैं, जिसके तहत गुजरात के पोरबंदर जिले के मोकर सागर में करली रिचार्ज जलाशय को विश्व स्तरीय टिकाऊ इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से पहले गुजरात वासियों को विकास कार्यों की ढेरों सौगात देने वाले हैं और बेहद अहम ये कार्यक्रम। रोड शो की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ एक सौगात नहीं बल्कि जलापूर्ति विभाग की 700 करोड़ की कई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। तो लोकार्पण भी है, शिलान्यास भी है, द्विपक्षीय वार्ता भी है और बेहद अहम ये कार्यक्रम भी है। जैसे जैसे आप देखिए कि रोड शो आगे बढ़ रहा है, वेलकम किया जा रहा है दोनों ही दिग्गज नेताओं का, अलग ही संस्कृति की छटा आपको यहाँ पर बिखरती हुई नजर आ रही है। वडोदरा से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात का वडोदरा। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात भी मिलने जा रही है। वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात पीएम मोदी और सांचेज देने वाले हैं। हालांकि कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन, वो परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं उनका उद्घाटन होना है और ऐसी परियोजनाएं जिनकी शुरुआत होने जा रही है उनका शिलान्यास होने वाला है। उद्घाटन की जाने वाली परियोजना में नवदा से चावंड बल्क पाइपलाइन शामिल है जो बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट और पोरबंदर जिले के 36 शहरों और 1298 गाँवों के लगभग 67 लाख लाभार्थियों को अतिरिक्त 28 करोड़ लीटर पानी प्रदान करेगी। भावनगर जिले में पश्चिमी समूह की संवर्धित
जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले रोड शो की तस्वीरें आप देख लीजिए। हर कोई इन तस्वीरों को, इस रोड शो को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा है। और आप देखिए, इसीलिए एक तरफ हाथ हिलाते लोग हैं तो दूसरी तरफ हाथों में उनका मोबाइल है और तस्वीरों को कैद कर रहे हैं अपने फ़ोन में, जिससे कि जब भी इन तस्वीरों को वो देखें तो याद आए ये लम्हा इन सभी के जहन में। वेलकम पेड्रो सांचेज के बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए गए हैं। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि स्पेनिश के दिग्गज नेता की मौजूदगी यहां पर जिस तरीके से और हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बड़ी सौगात के साथ साथ भारत की संस्कृति को निहारने का, देखने का, जीने का, महसूस करने का मौका सांचेज के लिए भी। और हमारी तो संस्कृति ही अतिथि देवो भव की रही है। जो भी यहाँ पर विदेशी मेहमान आते हैं, और यकीन मानिए वो भारत के ही होकर रह जाते हैं। विदेश जब अपने धरा पर वो पहुँचते हैं तो भारत की संस्कृति को हमेशा याद करते हैं, और उसका जिक्र भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा भी है। लेकिन इस तरीके से रोड शो और इन तस्वीरों में कई मैसेज भी छिपे होते हैं। दो देशों की दोस्ती, दो देशों की मजबूती, दो देशों की परिपक्वता, दो देशों के रक्षा क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में भी साझेदारी, और इसी लिहाज से ये तस्वीरें बेहद अहम। इसके अलावा कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। गांगडिया नदी पर बने भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो वो भी बहुत अहम हो जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उसका उद्घाटन करेंगे, सौगात देंगे। तो ये तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम है, जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उद्योगपतियों से इसमें मुलाकात शामिल है। विनिर्माण प्रतिष्ठान का वो दौरा करने वाले हैं, अमरेली को भी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कई विकास कार्यों की सौगात देते हुए। इसके अलावा भारत माता सरोवर का वो उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दो प्रोजेक्ट्स इसमें शुमार हैं, जिसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ते हुए लोगों में गजब का उत्साह है, और लोग आज, क्योंकि वडोदरा में एक नए युग की शुरुआत जो हो रही है उसके प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर के उत्साह है कि वडोदरा को एक और बड़ी पहचान मिल रही है। हालांकि वडोदरा कई लिहाज से, आप देखिए एजुकेशन के लिहाज से, इसके अलावा अगर बात करें तो पहले भी वहां पर इस तरीके से डील्स हुए हैं, तो इस लिहाज से वडोदरा वैसे भी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन आज के दिन के बाद, यानी कि उद्घाटन के बाद, अपने आप में पहला मौका होगा जब निजी कंपनी सैन्य विमान बनाएगी, और इसी के साथ वडोदरा ने अपने नाम एक और कीर्तिमान यहां पर स्थापित कर लिया होगा। अब इसके बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए आपको लगातार बता रहे, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से 56C295 मीटर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है भारत, और अगस्त 2025 तक 16 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई कंडीशन में देश को मिलेंगे। 40 एयरक्राफ्ट्स का जो निर्माण है वो अगले 7 साल में भारत में होगा, और यही जो निर्माण कार्य है वो यहाँ पर उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पर, जहाँ पर वो इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे, वहीं पर निर्माण होना है। टाटा एडवांस सिस्टम देश में बनने वाले एयरक्राफ्ट को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की मदद से डेवलप करेगी। ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कोई निजी कंपनी भारत में सैन्य विमान बनाएगी। इस प्रोजेक्ट से 15,000 हाई स्किल्ड, 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। तो उसका एक आयाम ये भी है कि रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया कराया जा सकेगा, और इसके लिए लगातार सरकार की प्रतिबद्धता आपने देखी है। और ये देखिए जिस तरीके से ये पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है, वहां पर आपको अलग अलग रंग नजर आएंगे, और क्योंकि दीपावली का भी पावन मौका है तो आपको उस लिहाज से भी यहाँ पर स्वागत होता हुआ नजर आएगा। और जरा सुनिए वहां पर जो लोग मौजूद है वो कैसे चीयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार सुन लेना चाहिए, ये जो लोगों का जोश है, लोगों का जो उत्साह है, जो कि शब्दों में वहां पर झलक रहा है, एक बार अगर हम एम्बियंस Oh,
राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, मोदी मोदी के नारे इस वक्त आपको नजर आएंगे। और देखिए स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक मिनट को एकदम ऐसा लग रहा है कि आश्चर्यचकित है, क्योंकि गजब का क्रेज है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। हालांकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये तो उनका गृह राज्य है, लेकिन इसी तरीके की तस्वीर तब भी आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी धरती पर मौजूद रहते हैं, तो वहां पर भी लोग उसी उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। और यहां का तो रंग ही अलग है, जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और वहां पर जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत इस वक्त हो रहा है। पेड्रो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पेड्रो सांचेज, जो कि हैंड वेव करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर भी इस वक्त कनेक्टेड हैं। और शिखा, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ संदेश देती हैं। एक तो भारत और स्पेन के रिश्ते जिसमें एक नए अध्याय की शुरुआत, और दूसरा ये कि आत्मनिर्भर भारत उसकी एक झलक भी। बिल्कुल श्रेया, भारत और स्पेन के बीच कई तरीके के समझौते पहले भी हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद पे चोट की बात जब भारत करता है तो उसमें साथ स्पेन का भी हमेशा से मिला है। साइबर सुरक्षा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि AI के इस दौर में क्या कुछ हो रहा है, कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र भी किया। तो दोनों देशों के बीच, खासतौर पर भारत और स्पेन के बीच में आतंकवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, जलवायु परिवर्तन हो, इन तमाम मुद्दों पर पहले ही समझौते बन चुके हैं। इसके साथ ही अगर व्यापारिक साझेदारी की मैं बात करूं तो उसमें जल आपूर्ति, सौर ऊर्जा जैसे जो चीजें हैं वो भी इंक्लूडेड हमेशा रही है। अब मेक इन इंडिया के तहत जो है, जो पहल किया गया भारत की तरफ से, उसमें स्पेन की कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। अब जब सांचेज भारत पहुंचे हैं तो इसका महत्व समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एयरबस टाटा का जो C-295 है, जो विमान प्रोजेक्ट जिसके लिए जिसको केंद्रित किया जा रहा है गुजरात में, इसके वडोदरा में वो ये जो स्थापित हो रहा है, इससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमता बढ़ेगी जाहिर है, और दोनों देश के आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी आयात और निर्यात से संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं। दूसरी चीज ये भी समझना बहुत जरूरी है प्रिया, कि जब रक्षा के क्षेत्र में भारत में विविधता आ रही है, रक्षा के क्षेत्र में जब भारत बढ़ रहा है, तो फिर बहुत जरूरी है ये समझना कि भारत अपने आप को पूरे विश्व में कहां पर रख रहा है। और ऐसे में जब सांचेज यहां पहुंचे हैं तो ये जो रक्षा के क्षेत्र में काम के साथ साथ जो सांस्कृतिक हमारी जो धरोहरें हैं, जो पर्यटन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो भी जाहिर है बढ़ेगी। और स्पेन बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप गई हैं या आप जा सकते हैं, तो अगर आप स्पेन पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि खूबसूरती क्या है। तो जाहिर है जब सांचेज यहाँ पर पहुंचे हैं तो फिर खूबसूरती के साथ साथ जो व्यापारिक संबंध है, और व्यापारिक संबंध के साथ साथ एक मैसेजिंग है टू दी वर्ल्ड, वो भी उस दौर में जब वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, कि भारत अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। बहुत खूबसूरती से आपने बताया शिखा कि इस दौरे के मायने क्या हैं, और भारत और स्पेन की जो दोस्ती है वो कितनी प्रगाढ़ है और उसमें कितना मजबूत हो जाता है ये पूरा जो करार है। हाँ, इसके अलावा अलग अलग MOU जिस पे हस्ताक्षर होने की उम्मीद, लेकिन एक पहलू शिखा ये भी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भारत का जो कद है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, चाहे इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम लगातार बात करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब किसी भी विदेशी जमीन पर जाते हैं तो वहां पर उस तरीके से तस्वीर सामने आती है, और जब स्पेन के प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचते हैं तो उस तरीके की तस्वीर सामने आती है। यही बड़ा दिलचस्प है कि 18 साल में पहला मौका है जब कोई स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भारत पहुंचा है। बिल्कुल प्रिया, देखिए भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो मजबूत हो रही है, और जो विभिन्न क्षेत्र है उसमें हमारा नेतृत्व बढ़ रहा है, भारत का नेतृत्व बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, दो तीन पॉइंट्स में मैं बता देती हूँ आपको। आर्थिक शक्ति है, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये हम सब जानते हैं। 2023 में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मेक इन इंडिया, जिसका आज मैं जिक्र हम लोग कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये कुछ ऐसे अभियान है।